बहुजन समाज पार्टी में सेकंड लीडरशिप लाइन के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ गए या तो उन्हें निकाल दिया गया। अब सिर्फ सतीश मिश्रा ही मायावती के बाद बड़े नेता बचे हैं। वह राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका दखल राष्ट्रीय राजनीति में होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में दूसरी लाइन की बड़ी जमात शुरू से ही नहीं बन पा रही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के मूवमेंट व उसके बाद जुड़े ज्यादातर नेता अब पार्टी में नहीं है। रामचल राजभर और लालजी वर्मा के निष्कासन के साथ बहुजन समाज पार्टी स्थापना से लेकर संघर्ष से जुड़े अधिकतर नेता बसपा से बाहर है। इनमें से कई नेता ऐसे थे जिनका प्रदेश स्तर पर अच्छा प्रभाव होता था। मायावती के बढ़ते प्रभाव के बाद एक एक नेता बाहर हो गए हैं। शुरुआत के दिनों से देखें तो राज बहादुर, आर के चौधरी, नसीमुद्दीन, स्वामी प्रसाद मौर्य, दद्दू प्रसाद, दीनानाथ भास्कर, सोनेलाल पटेल, रामेश्वर उपाध्याय, जुगल किशोर, ब्रजेश जयवीर सिंह, रामचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज जैसे कई नेताओं की लंबी सूची है जो कि बहुजन समाज पार्टी में दूसरी लाइन के बड़े नेता हुआ करते थे। ये वो लोग हैं जो समाज में बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन आज ये लोग पार्टी में नहीं है और इनमें से कुछ दूसरी पार्टी में स्थापित होकर बड़े पदों पर है। बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से कई राज्य में बहुजन समाज पार्टी का नेटवर्क काफी ऊंचाई पर था। मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया, महाराष्ट्र में डॉक्टर सुरेश माने, सिद्धार्थ पाटिल जैसे कद्दावर नेता थे, कर्नाटक में एन महेश, आंध्र प्रदेश में नलसूर्य प्रकाशम, पंजाब में हरभजन सिंह लाखा समेत देश के सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के पास स्ट्रांग लीडरशिप थी। लेकिन जैसे ही मायावती ने अध्यक्ष पद संभाला, बहुजन समाज पार्टी के सेकंड लाइन लीडरशिप को उन्होंने लगभग समाप्त किया। अब यही फार्मूला वो अपना रही है। ये लोग बहुजन समाज पार्टी मिशन को आगे बढ़ाने में लगे थे, लोग इनकी बात सुनते थे। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जड़ों से लोगों को जोड़ा था। इनके हटते ही लोगों को बड़ा झटका लगा था। पार्टी में जितने भी लोग ऊपर चढ़े हैं उनको तुरंत पार्टी से बाहर किया जाता है। 2012 के पहले वाली सरकार के जितने मंत्री थे वो बाहर हो गए, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, रामवीर उपाध्याय भी अब पार्टी में नहीं है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने वाले लोगों को निकाल दिया जाता है। लालजी वर्मा और रामचल राजभर तो कांशीराम के जमाने के हैं जिन्हें बाहर निकाल दिया गया है। इन सब की वजह से पार्टी जहां पहुंची है कैडर भी जुड़ता है। जितने भी नेता हटाए गए होंगे उनके समर्थक भी तो नाराज हुए होंगे। इसके बाद पार्टी में बचता क्या है ये देखना होगा। मायावती की पार्टी में आज तक सेकंड पार्टी लाइन बन ही नहीं पा रही है। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मायावती के लिए अब निर्णायक मोड आ गया है कि वह किसके दम पर पार्टी चलाएगी। हो सकता है आने वाले समय में नए चेहरे को शामिल करें, नई लीडरशिप पर भी मायावती की नजर होगी, जिसमें मुस्लिम की भूमिका के अलावा सवर्ण हो, जिसमें सतीश मिश्रा की भूमिका हो, कुछ और जातियां जो कि समाजवादी पार्टी में असहज होने के कारण इनके साथ जुड़े। मायावती किसी नई जगह की तलाश कर रही हो। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले अपने दो बड़े सिपाह सलार निकाल कर बड़ा जोखिम लिया है। उनके सामने इनके स्तर के नेताओं को तैयार करने की एक बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़े और पिछड़े वर्ग को नए सिरे से नेतृत्व खड़ा करना होगा। हो सकता है मायावती विधानसभा चुनाव से पहले नई लीडरशिप डेवलप करने की सोच रही हो। इससे उनको कितना फायदा हो ये सब भविष्य की गर्त में है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।